हाय माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। स्वागत है एक बार फिर से आप सब लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, कस्टमर थे और अब उस कस्टमर की इच्छा जाहिर हुई है कि भाई मैं भी इसमें पार्टनर बनना चाहता हूँ, तो कैसे कस्टमर से हम पार्टनर पर कन्वर्ट हों, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप कंप्लीट देंगे तो आपको समझ में आएगा। और हाँ, आप सब लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करते हैं, कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे हम कस्टमर से पार्टनर बन सकते हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मेन स्क्रीन आ गई, एमवे की वेबसाइट जो है मैं यहाँ पर खोल लिया है, लॉगिन कर लिया है। जिनको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनको लॉगिन कर लिया है। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो पार्टनर बनने वाले हैं वो प्रवक्ता 18 साल का होना ज़रूरी है। जो 18 साल के होते हैं, इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट 18 साल का होना ज़रूरी है। 18 साल के ऊपर कितना भी हो वो चलता है। तो चलिए, इस तरह से ये खुल जाएगा वेबसाइट। यहाँ पे अपन जो है पहले का सिलेबस था, यहाँ पे टच करना पड़ता था। अभी जो है दूसरा चेंज हो गया, इसकी जगह पर जो है कंपनी ने इधर का चेंज हुआ है। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बिकम एन एडीएस पार्टनर, इसके ऊपर आपको टच करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन टच कर देते हैं। जैसे इसके तो यहाँ पे है ना, जो आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रखे हो और आपके पॉइंट ज़्यादा है 100-200, तो पहले रिडीम कर लेना और फिर बाद में आप इसको यहाँ पे नो कन्वर्ट टू एडीएस पार्टनर पर टच करके और आप यहाँ से कन्वर्ट हो सकते हो। अगर आपके पॉइंट ज़्यादा है तो पहले रिडीम करना है, और पॉइंट कम है तो आप कोई बात नहीं छोड़ सकते हो एडीएस पार्टनर, है ना। तो अपने इसको कर लेते हैं यहाँ पे टच करके, और इस तरह से ये प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है, तो अपन इसके ऊपर टच करते हैं। जो भी ये मांगता है वो सारा यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए, ये पहले से मतलब कस्टमर बने हुए थे, तो अब इनको पार्टनर में कन्वर्ट करना है। अगर आप पहले पार्टनर थे और कस्टमर बन गए तो उसका वीडियो अपन नेक्स्ट बनाएंगे। अभी सिर्फ जो पहले से कस्टमर थे और अब पार्टनर बनना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बन रहा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा जीमेल आईडी वेरीफाई करनी है। तो इस वेरीफाई के बटन के ऊपर अपन टच करेंगे। तो जैसे इसके ऊपर टच करेंगे तो उसके ऊपर कोड जाएगा मेल के ऊपर, उस कोड को यहाँ पर मैंसन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके ऊपर टच कर देते हैं। अब गया है कोड, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों चीज़ें वेरीफाई हो गई है, जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर। कंटिन्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे अपन ने क्लिक किया तो आगे के फेस में आ गए, और यहाँ पे जो है पूछ रहा है नाम और लास्ट नाम, फर्स्ट नाम ये पहले से भरा हुआ है इसमें। देखो, नाम जैसे अपन ने पहले लिख रखा है कागज़ के अंदर, और अब जो है इनकी जन्म दिनांक डालनी है अपने को। अब जो है जन्म दिनांक डालनी है, तो जन्म दिनांक यहाँ पे भर देंगे अपन इसको में थोड़ा सा। सो दोस्तों, यहाँ पे अपन ने भर दिया है, इनका जन्म दिनांक भर दिया है और नाम इनका ऑलरेडी है ही। यहाँ पर मेल कर दिया है, अगर लड़का है मेल है तो मेल करना है, फीमेल है तो फीमेल करना है, यानी कि आदमी है तो मेल करना है, औरत है तो यहाँ पर फीमेल करना है। अब आगे अपन इसके ऊपर चलते हैं एड्रेस प्रूफ के ऊपर। थोड़ा इसको स्क्रॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको टच करना है, और आपको आधार कार्ड अगर है तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड। तो मैं यहाँ पर सबसे बेस्ट समझता हूँ आधार कार्ड, इसमें नंबर भी मिल जाता है और एड्रेस भी आ जाता है। चलिए यहाँ पर आधार नंबर अपन भर देते हैं, यहाँ पर आधार नंबर भरना है। दोस्तों, ये आधार नंबर मैंने भर दिया है, अब इसके ऊपर आपको अपलोड के ऊपर टच करना है, है ना। इस तरह से खुल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस मल्टी पैक के ऊपर अगर मोबाइल के अंदर है तो इसके ऊपर आपको टच करना है, इसके ऊपर टच करना है। तो यहाँ पे मैं टच कर देता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कर लिया है, यहाँ तक हो गया है ये प्रोसेस। अब अपन क्या करेंगे इसको थोड़ा, सो दोस्तों इसके ऊपर खींचना है। अपन ने यहाँ पे अपलोड कर लिया है, अपलोड के ऊपर और इसके ऊपर, है ना। अब इसको ऊपर खींच करके यहाँ पे टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और इसको सेव कर देना है। सो दोस्तों, यहाँ पे जो है पहले ऑर्डर करके मंगवाए थे तो इसमें एड्रेस भरा हुआ है। अब इसमें क्या है, जो आधार कार्ड के अंदर एड्रेस है वही इसके अंदर अपने को भरना है।
तो चलिए अपन शुरू करते हैं। अब एड्रेस प्रूफ के अंदर अपन आ चुके हैं, यहाँ पे एड्रेस भरेंगे, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, फिर लास्ट में लैंडमार्क डाल देंगे, साथ पास में क्या है, यहाँ पे पिन कोड नंबर भर देंगे और यहाँ पे जो सिटी आ जाएगा और यहाँ पे स्टेट आ जाएगा। तो चलिए मैं भर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये एड्रेस भर दिया है, अब इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में इसके ऊपर टच करना है, एड्रेस प्रूफ के ऊपर, और वही आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आधार नंबर भर देना है। आधार नंबर भरने के बाद में आपको यहाँ पे अपलोड फाइल के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे मैं भर लेता हूँ, इसके ऊपर जाना है ना, तो यहाँ पे मैं भर लेता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपलोड के ऊपर टच करना है, इस तरह से प्रोफाइल खुल जाएगी। तो यहाँ पे मल्टी मीडिया पिकर, इसके ऊपर आपको टच करना है, तो इस तरह से खुल जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब इसको स्क्रॉल करके और यहाँ पे टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और इसके ऊपर टच करना है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है बैंक डिटेल्स डालनी है। अब यहीं पे जो है आदमी को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा भय रहता है, आप चिंता ना करें, आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड नहीं करेगी कंपनी, क्योंकि 70,000 करोड़ की कंपनी है टोटल, 1,000 करोड़ का निवेश यहाँ पे भारत मदुराई तमिलनाडु में कर रखा है, और ये जो है यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है पैसा यहाँ पे डालेगी न कि वो निकालेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को थोड़ा दिक्कत आती है। तो चलिए यहाँ पे अपन आईएफएससी कोड भरते हैं, यहाँ पे बैंक का नेम आ जाएगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर आएगा और अकाउंट। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आईएफएससी कोड जैसे भरेंगे तो यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है। जैसे मैंने वेरीफाई किया था, यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है, ये बैंक का नाम आ गया है। अब अपन क्या करते हैं अकाउंट। सो दोस्तों यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स मैंने भर दिया है, अब यहाँ पे सेव के ऊपर टच करना है। अगर आप पैन कार्ड इसमें डालना चाहते हैं तो आप पैन कार्ड भी अभी डाल सकते हो, और एक बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसकी, लेकिन अभी ये प्रवक्ता जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ये पैन कार्ड नंबर नहीं दिया है इन्होंने, तो अभी अपन इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे सेव करेंगे इस तरह से हो जाएगा। अब आगे का जो है अपन कॉरपोरेशन वीडियो अपने को देखना रहेगा यहाँ पे, ये वीडियो देखने के बाद में ही आगे टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करनी है। तो यहाँ पे इसके ऊपर टच कर देते हैं, सबमिट हो चुका है। अब अपने क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर टच करना है, इसको सबमिट कर देना है, ये इस तरह से सबमिट हो गया है। थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। आप स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ रहा है, और एमबे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर वेलकम है आपका, और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब ये जो है मेन स्क्रीन के ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे आ गया है अपन। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है इसको दोबारा से, यहाँ पे जो आपने पासवर्ड बना रखे थे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे पासवर्ड। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम कस्टमर से पार्टनर में कन्वर्ट हो सकते हैं बहुत ही इजी वे में। और जो एमबे की वेबसाइट आई है इसके ऊपर भी बहुत सारे चेंजेस आपने देखे। तो आज के लिए इतना ही, लौटते एक नए वीडियो के साथ में और नए किसानों के साथ में, नए प्रोडक्ट के साथ में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।